जेसन, आई हैव जस्ट कंप्लीटली लॉस्ट इट। इन लड़कियों से कुछ भी नहीं हो पाएगा। मेरा ये मूवमेंट, मेरा ये फैसला गलत था। दीज आर माई एक्स्ट्राऑर्डिनरीज। छी, पिछले एक महीने में जेसन ने एक अंग्रेज होकर जितनी हिंदी सीखी है ना, उतना भी ये लड़कियां सीख नहीं पाई। जब देखो इन लड़कियों को मस्ती चढ़ी रहती है, मुझसे और नहीं होगा मैम। Yes, Tanya. I tried a lot too, but they don't understand anything. They just don't have an intention to learn or be disciplined. Just stop it, okay? Madam, क्या सोचती हो तुम लोग अपने आप को? क्या लास्ट वन मंथ में किसी में कोई डेवलपमेंट है? तुम लोगों को क्या लगता है ग्लैमर रीना में पार्टिसिपेट करना बहुत आसान काम है? एक दिन में सब डिस्क्वालिफाइड हो जाओगी। वन डे ग्लैमर रीना जीतना बहुत 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 दूर की बात है। सिली गर्ल्स। एवरीथिंग वुड बी ऑल राइट तानिया, सब ठीक हो जाएगा। डैम इट, खाक ठीक होगा जेसन, खाक ठीक होगा। एक लड़की में कुछ भी सुधार आया? एनी डेवलपमेंट व्हाटसोएवर? नो। जिसे कुछ भी आता है वो सोचती है कि वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट है, और जिसको कुछ भी नहीं आता है वो सीखना ही नहीं चाहती। हमारे पास सिर्फ 4 months, 4 महीने बाकी है जेसन, कैसे ठीक होगा? एंड अबव ऑल जेसन, एक लड़की अभी भी फाइनल होना बाकी है। एंड आई वॉन्ट समबडी रियली नाइस, रियली एक्सलेंट। और हाँ, तुम लोग अगर यहाँ रहना चाहती हो, कुछ करके दिखाना चाहती हो, कुछ सीखना चाहती हो, तो यहाँ पे रह सकती हो। और जो भी यहाँ नहीं रहना चाहती है, जो जाना चाहती है, वो बिल्कुल जा सकती है। अपना बोरिया बिस्तर बांधकर जस्ट गेट लॉस्ट। मुझे नहीं रहना यहाँ, मैं तो कल चली। इतने इंसल्ट आज तक मेरी किसी ने नहीं की। समझती क्या बुढ़ी अपने आप को? मैं भी नहीं रहूंगी यहाँ। पढ़ी लिखी हूँ, नौकरी तो मुझे मिल ही जाएगी। I fuck care about the temple. मेरी तो किस्मत ही खराब है। क्या जरूरत है ये 4 दिन की चांदनी दिखाने की? मेरी तो होटल की नौकरी अच्छी थी यार, पहले पता होता ये सब बातें सुनने को मिलेंगी तो कभी नहीं आती यहाँ पे। मैं थे ऐसी मॉडलिंग करने ली, ना कि अपनी बेइज्जती कराने वास्ते। मैं मानती हूँ पहले मैं रंडी थी, अब नहीं हूँ। पर एक बात तो सही है यार, हम जब से आए हैं पिछले 1 महीने से मस्ती ही तो कर रहे हैं, कुछ सीखा तो है नहीं हमने। तो तू सीखती रहे, हम तो कल सुबह सुबह निकल जाएंगे। जेसन, हमारे पास और भी बहुत सारी लड़कियों की प्रोफाइल्स हैं, उनमें से हम फिर से सिलेक्ट कर लेंगे। जो चले गए उसे बस भूल जाओ, मैं हार नहीं मानूंगी। मैडम, आपसे कोई औरत मिलना चाहती है। ठीक है, भेज दो। राजिया, छी, इस तरह खुद को बर्बाद तो कर ही रही हो, पर उस बेचारे बच्चे का क्या कसूर जो तुम्हारे अंदर पल रहा है? इसे तो अच्छा है कि उसे ऐसे ही मार डालो ना एक बार में। वो तो नहीं कर सकती, कॉम्प्लिकेशंस है, डॉक्टर ने बोला अबॉर्शन नहीं होगा। तो फिर डर क्यों रही हो? उस बच्चे को जन्म दो, प्यार से पालो, बड़ा करो उसे, अपने सपने उससे साकार कर लो। मेरा करियर खत्म हो जाएगा राजिया, मेरा करियर खत्म हो जाएगा।
मैं मिस इंडिया में कभी हिस्सा नहीं ले सकूंगी। मेरा करियर खत्म हो जाएगा, मेरा करियर खत्म हो जाएगा। कितनी बार कहा है कि इस बच्चे के बाप का नाम बता दो, मैं जाके बोलूंगी उसको कि अपनी जिम्मेदारी उठाए। वो मैं ये कभी बताऊंगी नहीं कि इसका बाप कौन है। क्यों, क्यों नहीं बताओगे तुम? क्योंकि इसमें उसका कोई कसूर नहीं था। मैंने इस फुल प्रोसेस को इंडल्ज किया था और उसका भी यही करियर है, उसकी भी जिंदगी पड़ी है। मैं अपने स्वार्थ के लिए उसका उसका करियर मैं क्यों बर्बाद करूंगी? मां बनने के बाद तुम कंपटीशन में भाग नहीं ले सकती क्या? नहीं, मां बनने के बाद मिस इंडिया में कोई पार्टिसिपेट नहीं कर सकती है। नो, नहीं, तानिया। हाँ राजिया। ये कंपटीशन कब है? नेक्स्ट ईयर जनवरी में। मतलब कि अभी 9 महीने हैं। तुम्हारा तीसरा महीना चल रहा है, हैं? 6 महीने बाद बच्चा बस जन्म ले लेगा, ठीक है ना? तो बच्चे के जन्म लेने के बाद तुम उसे मुझे दे देना। किसी को बताने की जरूरत नहीं कि तुम माँ बनने वाली हो, किसी को बताने की जरूरत नहीं कि बच्चा कहाँ जन्म ले रहा है, किसी को बताने की जरूरत नहीं कि तुम कभी माँ बनी थी। तान्या, तुम कंपटीशन में भाग लोगी और जीतोगी भी। बच्चे को मैं माँ बन के संभाल लूंगी, ये राज हमारे बीच ही रहेगा बस। राजिया, राजिया, राजिया। ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीतने के बाद तुम 1 साल के लिए विदेश चली गई सोशल वर्क करने। मैं यहाँ अकेली उस बच्ची के साथ, मेरे पास कोई काम नहीं था, रोजगार का कोई साधन भी नहीं था। फिर मैंने एक अस्पताल में नौकरी कर ली, नर्स की। काम के साथ साथ बच्चे को संभालने में मुझे बहुत मुश्किल हो रही थी, इसलिए बच्चे के साथ एक चिट्ठी और एक फोटोग्राफ रखकर मैंने उसे अनाथालय में छोड़ दिया। पता लगा कि 1 हफ्ते के अंदर ही अंदर उसे किसी NRI कपल ने अडॉप्ट कर लिया था। मैंने अल्लाह का शुक्रिया अदा किया कि चलो अच्छा है, उसकी जिंदगी बन जाएगी। वक्त गुजर गया, 1 साल पहले वो इंडिया आई अपने असली माता पिता को ढूंढने के लिए, और मुझ तक पहुंच गई तान्या। मैंने उसे अपनाया और उसे कहा कि मैं ही उसकी असली माँ हूँ। पर उसने DNA टेस्ट करवाया, मेरी चोरी पकड़ी गई। उसके बाद उसने मुझ पे एक पे एक सवाल दागने शुरू कर दिए थे, ऐसे सवाल जिन्हें झेल पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। इसलिए थक हार कर मैंने उसे बता ही दिया कि तुम ही उसकी असली माँ हो। रासिया, उनसे अब मेरा कोई वास्ता नहीं रहा, लेकिन उनके हिस्से का वक्त आज भी तनहा गुजरता है। कहाँ है वो? बेटा इधर आना। जानवी, तुम? मैं आपको सिर्फ सॉरी कहने आई हूं।
मैंने आपको पिछले साल ही बताया था कि जब मैं 7 साल की थी, एक रोड एक्सीडेंट में मेरे माँ बाप की डेथ हो गई। मेरी दादी ने मुझे पाला। स्टडी के साथ मैंने मॉडलिंग की ट्रेनिंग की शुरुआत कर दी। 18 साल की हुई तो दादी पास्ट हुए। मैं दुनिया में बिल्कुल अकेली हो गई। लेकिन तभी मुझे पापा के सामान में अपने एडॉप्शन के पेपर्स मिले। तब से मैं बेचैन हो गई अपनी बायोलॉजिकल मदर को ढूंढने के लिए। यहां आकर मैंने सेटल होने का फैसला कर लिया। बर्थ राइट से मुझे सिटीजनशिप मिल गई और फिर मुझे आप मिले। मैं ग्लैम अरीना की उम्मीदवार बन गई। लास्ट पार्टी के दिन मुझे रायन मिला। जानवी, यू आर अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। अब मुझे ये बताओ कि इस कंपटीशन में हारने का तुम कितना पैसा लोगी? अरे आप तो कंपटीशन शुरू होने से पहले हार के बैठ गए हो। वेल, यू नो, हमारे जीत के रास्ते में सिर्फ एक ही रुकावट है और वो हो तुम। तुम यहां से चली जाओ, बाकी मैं संभाल लूंगा। हाउ वेल वेल मिस्टर रायन, आई एम हियर टू प्ले अ फेयर गेम। और अगर हिम्मत है तो अपने कॉम्पिटिटर्स को सिखाओ मेरे साथ लड़ने के लिए। नाउ फक ऑफ फ्रॉम माई कार।